Hello and very good morning to my dear students. For the students of class 6, here is a test of MCQ based quiz and lesson number 4, key elements of democratic government. In this lesson, we will discuss about South Africa, apartheid and key elements of democratic government. And here some questions are from the dispute lies between Tamil Nadu and Karnataka. So let's get started. Our first question is the city Johannesburg is situated in which country? City Johannesburg जो है वो किस देश में है? India, USA, France, South Africa. आपको इसका आंसर 3 सेकंड में देना है. चलिए मैच करते हैं. इसका सही आंसर है South Africa. And second question is dash means separation on the basis of race. किस प्रकार की separation जो होती है वो नस्ल के आधार पर होती है. नस्ल होती है गोरे काले की. Religious separation, discrimination, apartheid, none of these. और इसका सही आंसर है अपार्थेड. साउथ अफ्रीका में हम इस प्रकार की सेपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं अपार्थेड टाइप की, कि जहां पर गोरे और कालों में, गोरे कौन है वहां पर, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आप को गोरा कहते हैं और जो वहां के नेटिव पीपल हैं उन्हें ब्लैक कहा जाता है, और यही डिस्क्रिमिनेशन जो उनके बीच है वो अपार्थेड के नाम से जानी जाती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री? 1992, 1993, 1994, 1995. नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं ने, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फेमस लीडर हु फोट अगेंस्ट अपार्थिड. अपार्थिड के खिलाफ वो लीडर बताइए साउथ अफ्रीका के अंदर जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया. पंडित नेहरू, गांधी जी, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला. और इसका सही आंसर है नेल्सन मंडेला, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था. क्वेश्चन नंबर 4, हाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इक्वेलिटी एंड जस्टिस, राइट टू स्पीच, इक्वेलिटी एंड डिलेइंग, राइट टू मूव. जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है उसका की आइडिया, उसका बेसिक आइडिया क्या है, उसका आपको जवाब देना है. और इसका सही आंसर है, वैसे तो बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको, कि जैसे कि एडल्ट फ्रेंचाइज, रेगुलर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट टू स्पीच, वोट. लेकिन जो बेसिक की आइडिया है वो है इक्वेलिटी एंड जस्टिस. इक्वेलिटी का अर्थ होता है समानता और जस्टिस का मतलब होता है न्याय. विच रिवर वाटर डिस्प्यूट लाइज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु? कौन सी रिवर को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच डिस्प्यूट चल रहा है? और इसके ऑप्शंस हैं गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, महानदी. और इसका सही आंसर आप जरूर जानते होंगे और वो है कावेरी. कावेरी रिवर के पानी को लेकर इनमें झगड़ा होता है, क्योंकि पानी की जरूरत कर्नाटका को भी है और तमिलनाडु को भी. मेटोर डैम लाइज इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश. और इसका सही आंसर आपको फटाफट बताना है, और इसका सही आंसर है तमिलनाडु में. एक्चुअली देर आर टू डैम्स ऑन कावेरी रिवर, कृष्ण राज सागर डैम एंड मेटू डैम. मेटू डैम लाइज इन तमिलनाडु एंड कृष्ण राज सागर डैम लाइज इन कर्नाटका. सो देर आर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू दिस डैम्स एंड वॉटर. इन इंडिया गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स, 3, 4, 5, 6. आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे, एंड द राइट आंसर इज 5. इंडिया में हम हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, और अगर सरकारें अच्छे ढंग से काम नहीं करती तो दूसरी पार्टी को मौका दे दिया जाता है कि वो अच्छे से काम करे और सरकार बनाए. क्वेश्चन नंबर 9, जुलू इज़ा, जुलू क्या है? लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और अ नेम ऑफ अ गर्ल. अगर आप लेसन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो साउथ अफ्रीका की नेटिव गर्ल्स हैं वो ब्रिटिशर लैंग्वेज में रीड नहीं करना चाहती, स्टडी नहीं करना चाहती. दे वॉन्ट टू अडोप्ट देयर नेटिव लैंग्वेज एंड दैट इज जुलू. सो जुलू इज द लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका. क्वेश्चन नंबर 10,
इक्वेलिटी एंड जस्टिस आर डैश, मैंने आपको पहले बताया था ये की एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, बट अब आपको बताना है कि क्या ये सेपरेबल है, इनसेपरेबल है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, क्या इनको अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, दोनों कर सकते हैं या कोई भी नहीं कर सकते, और इसका सही आंसर है इनसेपरेबल। इक्वेलिटी और जस्टिस को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू, अगर इक्वेलिटी होगी तभी जस्टिस हो पाएगा, अगर जस्टिस तो हो गया लेकिन इक्वेलिटी नहीं है तो जस्टिस के कोई मायने नहीं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।